स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। योगाभ्यास के क्रम में आज प्रारंभ में हम योग की एक एक प्रक्रिया का ठीक से हम अभ्यास करें इसके संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लंबा गहरा श्वास लिया, छोड़ा, भस्त्रिका की तीन प्रकार की विधि है। लगभग 5 सेकंड में श्वास लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। हाथों को ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा और यह है अपान मुद्रा। ध्यान मुद्रा एकाग्रता के लिए, वायु मुद्रा गैस्ट्रिक, गैस बहुत है शरीर में, गैस्ट्रिक और वात रोग, एक तो ऐसे करते हैं तो ये वायु कोष्ठगत वात होता है, एक स्नायुगत वात होता है, एक संधिगत वात होता है, एक सर्वांग वात होता है। अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकार की मुद्रा, ये वात रोगों में वायु मुद्रा, कर्ण रोगों में शून्य मुद्रा, ओवरवेट अंडर वेट्स के लिए पृथ्वी मुद्रा, मूत्र रोगों में किडनी के रोगों में ये वरुण मुद्रा, ये दुर्बलता में शक्ति मुद्रा, और बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स ऑक्सीजन्स नेगेटिव एनर्जी विजातीय तत्व बहुत बढ़े हुए हैं, तो ये अपान मुद्रा या वायु और अपान मुद्रा एक साथ में भी कर सकते हैं, ये अच्छा अभ्यास है। कम से कम भस्त्रिका कपालभाति में ऐसा किया जा सकता है कुछ समय के लिए, तो बस इसमें चेहरा ना बिगड़े, सहजता खंडित ना हो, एकाग्रता खंडित ना हो, लयबद्ध होकर के कर। अब देखो मध्यम गति से, अब कुछ जवान बेटे बेटियां हैं जिनको कोई रोग नहीं है, वे तीव्रता से भी कर सकते हैं जैसे, लेकिन इसमें भी
सिर ना हिले, कंधे ना हिले, शरीर ना हिले, फेफड़ों में आकुंचन प्रसारण होगा। जब हम तीव्रता से करने लगते हैं तो माथा ही नहीं लगता, कंधों को ऊपर नीचे करने लगता, पूरा शरीर हिलने नहीं। पूरी सजगता, पूरी जागरूकता, पूरा समर्पण, पूरी एकाग्रता, पूरी प्रसन्नता, पूरी सहजता, एक साथ बहुत से सत्यों का समावेश होता है विधि में। राइट मेथड का मतलब ये केवल यंगस्टर्स के लिए, रोगियों के लिए नहीं। रोगियों के लिए तो सामान्य गति, देखिए लगभग 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, ऐसे ही आप सब कीजिए, सबके लिए यही हो। तो एक्सेप्शन था कि किसी को, जवान व्यक्ति को तीव्रता से करना है, और इसी से सर्वाधिक लाभ होता है। ये हमने साइंटिफिक रिसर्च भी किया है, चाहे वो एनर्जी एक्सपेंडिचर हो, ऑक्सीजन के लेवल को एनहेंस करना हो, ऑक्सीजन सेचुरेशन 99 से लेकर के 100% होता है। ऐसे जो तीव्रता मध्यम गति से करते हैं, ये मध्यम गति से भी उनको नहीं करना जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, अस्थमा बहुत ज्यादा, हर्निया है, बैक एक है, वीकनेस बहुत ज्यादा, तो उनको कैसे करना, उनको ऐसे ही करना। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ठीक विधि से करना, राइट मेथड। बस रेखा, अब कपाल भाते हैं ऐसे, मृदंड सीधा, आंखें बंद, छोड़ने में पूरा ध्यान। भस्त्रिका में लेने और छोड़ने में बराबर बल था, इनहेल और एक्जेल में इक्वल फोर्स था। अभी छोड़ने में पूरा बल लगेगा, फोर्स छोड़ने में लगेगा, लेने में सहजता रहेगी। छोड़ रहे बलपूर्वक, आ रहा है सहज। ये सामान्य और मध्यम गति से ही करना। तीव्र गति वाला समावेश तो हमने केवल यंगस्टर्स की दृष्टि से रखा है, उनमें इतनी फोर्स होती है, जब तक उसको पूरा वो यूटिलाइज नहीं कर लेते तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। और यौवन में ऐसा होता है तो स्वाभाविक है, यौवन नाम ही है शक्ति के, शौर्य के, पराक्रम के, वीरता के, तेजस्विता की, पराकाष्ठा का। ये देखो, एक तो जिनको अभी कोई ऑपरेशन करवाया है, जिनको बैक एक है, जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको तो ऐसे करना है। धीरे, बाकी शेष को मध्यम गति से। एक 50 से 60 वाली स्पीड है, 100 से 120 वाली है, ये दो ही गति हैं सबके लिए। नॉर्मल फोर्स, एक मीडियम फोर्स, अत्यंत तीव्र गति से ऐसे
ये तो केवल युवाओं के लिए है अपवाद रोग में, जिनको कोई भी रोग विशेष है उनके लिए तो सामान्य और मध्यम गति ही उपयुक्त है। अत्यंत तीव्र गति, तीव्र संवेग आराम आसन, ये जो पूरी तरह से निरोगी और योगी है उन्हीं के लिए। हाँ, रोगियों के लिए भी भक्ति का, श्रद्धा का, समर्पण का, विश्वास का तीव्र संवेग उनके लिए भी अपेक्षित है। भक्ति विशेषात आवर्जिता ही शरातम अनुग्रणाति अभिध्यान मात्रेण। एलोपैथी की दवाइयां लगातार लेने से, खून के पतले करने वाली दवाइयों से एक तो ब्लड के लीकेज होने की संभावना है, और वो आंखों के लिए, वो किडनी के लिए, वो नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा नहीं, और उससे पूरा टीएलसी डीएलसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब काउंट गड़बड़ होते हैं आपके। 99% लोगों के प्लेटलेट कम हो जाते हैं, टीएलसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो भी ब्लड काउंट है ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, आप छेड़छाड़ कर रहे हो शरीर के साथ। तो फिर लहसुन है, प्याज है, अर्जुन की छाल है, लौकी है, ये सारी चीजें बैलेंस करती है अपने आप खाने में लगे हुए। ओले ठीक है, एक गोली खा ली, ब्लड ठीक रहेगा। अरे ब्लड वैसे ही ठीक रहेगा, रोज प्राणायाम कर ले करो, ब्लड के पतने करने वाले दो, थायराइड की दवा, अरे कर, कपाला भाती उज्जाही थायराइड का पॉइंट दबा लिया, थोड़ा ब्रेथ को होल्ड कर लिया, थायराइड ठीक, थायराइड की दवाई खाते रहते, बीपी शुगर की दवाई खाते रहते, एसिडिटी की दवाई खाते रहते। वात पित्त कफ को नियंत्रित करने के लिए इतने सहज उपाय मैंने कितनी बार बताए, आज फिर बताता हूं। उज्जाई प्राणायाम करते समय फिर जब होल्ड करते हो तो ये पॉइंट भी दबा लो साथ में, उज्जाई फिर ये सिंहासन तीन से पांच बार ये कर लो, और जो कर सके वो सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन कर ले, उष्ट्रासन कर ले। मत्स्यासन, उष्ट्रासन, सर्वांगासन, हलासन में थायराइड को पूरी एक्सरसाइज मिलती है इस गले को। अब इसको एक्सरसाइज देने का एक और तरीका, गले को टाइट करके ऐसे तीन से पांच बार एक बार सांस भर लिया और गले को टाइट करके और ऐसे तो जो लाभ सर्वांगासन से, हलासन से, मत्स्यासन से, उष्ट्रासन से, गले के ऊपर जिनका विशेष प्रेशर पड़ता है, देखो आसनों के लाभ के बारे में दो तीन बातें बता देता हूं। जहां गति होगी वहां शक्ति पैदा होगी, गति और शक्ति का एक सिद्धांत है। जिस अंग पर विशेष दबाव पड़ता है वहां सारी शक्ति शरीर की केंद्रित हो जाती है, तन की शक्ति, मन की शक्ति, प्राण की शक्ति, आत्मा की शक्ति, पूरी हमारी चेतना वहां पर एकीभूत हो जाती है। जैसे हमने अभी जैसे एक छोटी सी बात कही, एक गले को मैंने टाइट करके, ऐसे नहीं ऐसे गले को घुमाना, ये तो गले की जो सर्वाइकल स्पोंडाइलाइटिस पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए,
ऐसे ये गर्दन के मसल्स के लिए, वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, उनकी ट्यूनिंग के लिए, उनकी लयबद्धता के लिए, उनके रिदम के लिए ज़रूरी है। ये तो एक अलग बात है। जब स्वास्थ्य भर के, अब जैसे मेरी अंगुली में अभी कोई ताकत नहीं है, देखो एकदम ढीली पड़ी, अब मैंने इसको एकाग्र कर दिया तो एक अंगुली से बोले क्या क्या भगवान ने क्या उठा लिया, गोवर्धन उठा लिया पर्वत पूरा। बोले एक अंगुली पर गोवर्धन कैसे उठ सकता है? भाई आपकी सारी शक्ति आप जहां चाहते वहां केंद्रित हो जाती है। ये सारा जो खेल है, ये सारी जो महिमा है वो संकल्प की है। देखो योग हो या भोग हो, भोग में सारी शक्ति व्यक्ति की मूलाधार चक्र में केंद्रित हो जाती है, पूरी ताकत। और इसलिए जो भोगी लोग होते हैं बोले भाई कौन आदमी कितना ताकतवर है, ये उसके भोग करने के सामर्थ्य के ऊपर से मापा जाता है। सारी शक्ति भोग में केंद्रित हो गई। जब आप किसी के साथ में प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की स्थिति में होते हैं तो आपकी सारी शक्ति आपके हृदय में केंद्रित हो जाती है। जब आप किसी विकार की शिकार होते हैं, जैसे आप जब आक्रोश में आते हैं तो पूरी शक्ति आपकी गुस्से में तब्दील हो जाती है, पूरी शक्ति। और उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, पागलपन में मर सकते हैं और मार भी सकते हैं। ये तो कई सारा खेल जो है मन का है। इसलिए तन से हजारों लाखों करोड़ों गुणा शक्तिशाली है मन, और मन से भी परे एक शक्ति है उसको आत्मा कहते हैं, और आत्मा से भी परे एक शक्ति है उसी को परमात्मा कहते हैं। तो योग में ना आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, जो भी क्रियाएं हैं, इसमें लिए बार बार कहा जाता है आप अपने स्वरूप में जाएं, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, मन के विचारों से, संवेदनाओं से, भावनाओं से भी परे अपना स्वरूप है, और वहाँ अपरिमित ज्ञान, संवेदना शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, अपरिमित दौलत है। इस भाव चेतना में प्रतिष्ठित होकर के आपको योग करना है। कुछ फिजिकल लेवल पर योग करते हैं, कुछ शरीर के स्तर पर योग करते हैं, कुछ मन के स्तर पर योग करते हैं, इससे आगे पहुंचना है आपको। तो ये कपालभाति के संदर्भ में आपको संकेत किया। फिर भस्त्रिका हो, कपालभाति हो, बाह्य प्राणायाम हो, उज्जायी हो, अनुलोम विलोम हो, भ्रामरी हो, उद्गीत हो, शीतली हो, शीतकारी हो, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांता का अभ्यंतर, मूल ये 10-12 प्राणायाम है। इनमें से जिसकी जैसी आवश्यकता हो उस प्राणायाम को अधिक करना है, संकल्पित होकर के। कपालभाति के संदर्भ में बताया भी आपको, पूरा फोर्स छोड़ने में, और मूलाधार से सहस्रार तक एक चक्र विशेष में, अथवा रोगग्रस्त जो शरीर का कोई भाग है उसमें मन को केंद्रित करते हैं। आजकल इसके लिए कितनी थेरेपियां चल रही है, प्राणिक हीलिंग है, कोई इसको कॉस्मिक हीलिंग बोलते हैं, कोई इसको रेकी बोलते हैं, कोई इसको हिप्नोटिज्म बोलते हैं, कोई इसको संकल्प चिकित्सा बोलते हैं, संकल्प सिद्धि बोलते हैं, संकल्प साधना बोलते हैं, कोई इसको कुंडलिनी जागरण बोलते हैं, कोई इसको प्रतिप्रसव योग कहते हैं, कोई इसको अलग अलग नाम हठ योग कहते हैं, चंद्र और सूर्य शक्ति का, अग्नि सोम आत्मकम इदम जगत, कोई अष्टांग योग, राजयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये नाम दे दिए। समाधि योग कहें, साधन योग कहें, विभूति योग कहें, इसको प्रतिप्रसव कैवल्य योग कहें, नाम है ये सारे। ऐसे योग के बहुत सारे नाम, क्योंकि योग में अनंत सामर्थ्य है, और जो सामर्थ्य उस एक विशेष सामर्थ्य को लेकर के जब कोई बात कहनी होती है तो उसके शब्द का चयन कर लेते हैं।
योग की अनेक शक्तियां। किसी एक विशेष शक्ति को लेकर के जब योग के सामर्थ्य को अभिव्यक्त किया जाता है, शब्द दिए जाते हैं, तो उस सामर्थ्य को कह दिया जाता है। वो एक साथ सारे सामर्थ्य कार्य कर रहे हैं। तो खैर कपालभाति बता दिया आपको। फिर बाह्य प्राणायाम में श्वास अंदर लिया, बाहर छोड़ दिया, बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया। तीन बंद एक साथ लगे, जालंध्र बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद, तीन बंद एक साथ लगते। मिनिमम 10 सेकंड से शुरू करते हैं, फिर 20-30 सेकंड तक, आधा मिनट से ज्यादा करने में असुविधा होती है तो इतना बहुत है, फिर दूसरी बार कर लें। अब कितनी बड़ी समस्या है लोगों की, धातु रोग, मूत्र रोग, कितनी बड़ी समस्या है लोगों के, जिनको हो जाता है फिर उनको चैन नहीं पड़ता, बहुत दुखी रहते हैं। यूट्रस प्रोलैप्स या एनएस का प्रोलैप्स होना, बाहर निकलना, योनी और गुदा बाहर निकलने लगता है, बहुत कष्ट होता है। ऐसे में बाह्य प्राणायाम, मूलबंध, चांगेरी घास होती है उसका पानी पिला देते हैं, और ये दोनों प्रॉब्लम लगभग लगभग 1 से 2 महीने में पूरी तरह खत्म हो जाती है, जो कि बहुत बुरे रोग है, बहुत कष्ट होता है इसमें। ये बाह्य प्राणायाम तो जबरदस्त, कुंडलिनी जागरण के लिए भी, ये डायबिटीज के लिए, पेट की बीमारियों के लिए, कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस दोनों के लिए समान रूप से उपयोग है। अग्निसार, ये पेट को रिलैक्स करने के लिए। उज्जयी अभी मैं बता ही रहा था, ये गले के लिए, थायराइड के लिए, स्नोरिंग स्लीप एपनिया, एक ही दिन में फायदा हो जाता है। पहले दिन से अच्छे से सोने लगते हैं, खर्राटे आने बंद हो जाते हैं, लेकिन आपको 11-11 बार करके कम से कम 20-21 बार करना है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं। हाँ, प्रारंभ में जब करते हैं तो आप देखते हैं खुद ही जो थायराइड पैराथायराइड है ना, मैंने कहा ना, जहां आप बल लगाएंगे, बल लगाओ बल बढ़ाओ, ये एक सीधा से सिद्धांत, गति से शक्ति पैदा होती है। तो ये गले और थायराइड के लिए, पहले ही दिन से स्नोरिंग स्लीप एपनिया, पहले ही दिन से थायराइड में लाभ। अब इसमें भी डराया हुआ, थायराइड की दवाई बंद नहीं करना जिंदगी भर। हम पहले बीमारी को नियंत्रित, पहले बीमारी को कंट्रोल, बाद में क्योर करते हैं और दवा मुक्त करते हैं। दवा से हमारा बैर नहीं है, रोग से हमारा बैर है। हम कहते हैं रोग हमारा स्वभाव, दुख दरिद्रता हिंसा झूठ बेईमानी अशांति हमारा स्वभाव नहीं है। ये बड़ी बात है, कहने को एक वाक्य है लेकिन इसमें पूरा जीवन दर्शन है। देखो ये उज्जयी 11 से 21 बार करनी, और दिक्कत क्या है इसमें? इसमें कोई पहाड़ तो उठाना नहीं है आपको, हिमालय उठाना नहीं है आपका। थायराइड पहले ही दिन से, और ये पॉइंट भी साथ में दबा लेना, और जो जैसा कर पाए, सिंहासन, ग्रीवासन, हमने इसको ग्रीवासन ही नाम दे दिया, ग्रीवा संचालन कह लो या ग्रीवासन कह लो, क्या है? आसन मन स्थिति है एक। सर्वांगासन हलासन वो कर लेना जो बच्चे,
जेनेटिक थायराइड मैंने ठीक किया है। सामान्य रोगों को पहले कंट्रोल, बाद में क्योर करना, जेनेटिक रोगों को क्योर करना, और तीसरी तो उससे भी बड़ी बात है, पूरी दुनिया जिन बीमारियों के बारे में बोलती है, ऐसा लिया मैं ऑटोमेन डिजीज, MND और रमेटाइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, जो ऑटोमेन डिजीज की एक बड़ी श्रृंखला है, पार्किंसंस और कैंसर के ऐसे रोगी जो हम बताते हैं वो पूरा कर लेते हैं। इसलिए मैं उसको यदि स्टेजेज में बोलूं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज के भी वो कैंसर के रोगी जो सुबह शाम दोपहर जैसा हम कहते हैं वैसे कपाल भाती, अनुलोम विलोम माने प्राणायाम कर सके, वो ठीक हो जाते हैं। अब जो बेचारे प्राणायाम ही नहीं कर सकते, एकदम मरणासन्न है, अब कहो कि इनको ठीक कर दो तो थे को भी, ये तो फिर बात गलत हो जाएगी। अब देखो एक बार तो सब कर लो, सबके लिए भी तो जरूरी है प्रिवेंशन सबके लिए। अब देखो मैं 7 शब्द बोलूंगा अभी, उसमें सारे चिकित्सा शास्त्र का सार आ जाएगा 7 शब्दों में। होल्ड करके रखना, बीस से 30 सेकंड सब रोक लेना, मैं 2 से 2.5 मिनट रोकता हूं। कितना रोकना है? 20 से 30 सेकंड, इनफ। मेरे साथ बोलिए, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन, पैलिएशन, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हेल्थ। अब ये मैंने आपको चिकित्सा का पूरा मकसद, पूरी मेडिकल साइंस का सार, किसके लिए है ये सबका सब, जो भी चल रहा है, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, होम्योपैथी, एलोपैथ, जो भी है, तो एक बार बटरफ्लाई कर लो प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए। और योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, और यहाँ जो पूरा वातावरण आपको दिया जाता है, योग में, यज्ञ में, प्रकृति में, वातावरण, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में पूरी दिव्यता लाने के लिए जो पूरा यहाँ प्रकल्प चल रहा है, इसका सबका मकसद क्या, और पूरी दुनिया में जो भी प्रयास हो रहे हैं चिकित्सा के, उनकी सबका मकसद है प्राइमरी प्रिवेंशन, बीमार होने से बचाया जाए। बीमार होने से बचाने के लिए वैक्सीनेशन और ये सारे प्रयास 1% में है। वैक्सीन चाहे वो कोरोना की हो या और किसी भी चीज की हो, ये होने के बाद, कोई भी बीमारी होने के बाद के लिए नहीं है। अभी भी किसी को कोरोना हो जाएगा तो उसको भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मुज्जायी, यही सब करना पड़ेगा, उसको अणु तेल डालना पड़ेगा, श्वासहारी कोरोनिल लेना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और भी तमाम तरह के वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं। एक इन्निट इम्यूनिटी होती है जो हमारे भीतर एक पैदा की जाती है, पैदा होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आप चलो, अब ये थोड़ा लंबा विषय हो जाएगा, इतनी सी बात कह रहा हूं, प्राइमरी प्रिवेंशन, रोगों से बचा जाए।
तो ये सारा जो प्रयास है यहाँ पतंजलि योगपीठ का, ये प्राइमरी प्रिवेंशन में तो 100% इसके मार्क्स है। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? एक बार कैंसर हो गया, एक बार हार्ट अटैक हो गया, एक बार डायबिटीज हो गई, डायबिटीज का तो नहीं, एक बार अस्थमा का अटैक आ गया, एक बार अर्थराइटिस का अटैक आ गया, और ये सारे ऑटोमन डिजीज के भी अटैक्स आते हैं, SLMS MND इनके अटैक्स आते हैं, एकदम आत्मा को घेर लेते हैं, दबोच लेते हैं बहुत बुरी तरह से। कोई भी बीमारी का एक बार वेग आ गया, दोबारा से उसका अटैक ना पड़े, इसके लिए एलोपैथी में कोई उपचार नहीं है। ये जो कोशिश कर जरूर करते हैं, लेकिन मैं आपको 10 एग्जाम्पल देता हूं। हार्ट अटैक आने के बाद हर महीने 5 से 10 हजार रुपए की दवाई चला देते हैं। हार्ट अटैक कोई भी बीमारी का 5 से 10 हजार का बंधा हुआ खर्चा है। दवाइयों के ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड करता है किस ब्रांड की आप दवाई खाते हैं, जेनरिक खाते हैं दवाई कि ब्रांडेड खाते हैं दवाई। इसलिए मैं कहता हूं ये ड्रग माफियाओं की लूट खसोट है। 2 रुपए की दवाई 100 रुपए से लेकर, 1000 रुपए से लेकर के, 10 हजार से लेकर के, एक एक गोली 1-1 लाख रुपए की देते हैं। एक एक इंजेक्शन 2-2, 2.5-2.5, 5-5 लाख रुपए का देते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती इतनी लूट खसोट करते समय। और क्या कहते हैं, हमने इसमें रिसर्च किया। रिसर्च तो मैंने भी किया है, और उसका यदि इवेल्युएट करूं उसको, और उसमें सारे खर्चे जोड़ूं और अपने भी खर्चे जोड़ दूं, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास कम है, अरे हम कहने को फकीर है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में तो हम जुकरबर्ग के भी बाप है, हम हैं बिल गेट्स के भी बाप है। हमारे पास में योगी के पास सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। तो आपको जो ये जो मैं बात कह रहा हूं, देखो ये इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि हम लोग ना इतने बहकावे में आ रखे हैं। अगली बात सुनो जरा, जो मैं कह रहा, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। मैं आपको कहता हूं कि एक बार आपको हार्ट अटैक आ गया, अरे कोई बात नहीं, चलो आपने एंजियोप्लास्टी करवा ली, आपने बाईपास करवा ली। एक बार आपको कैंसर हो गया और आपने सर्जरी भी करवा ली, बहुत मोटा जो है आपके गांठ थी और या बहुत ज्यादा वेग था, आपने चलो एक बार, जैसे कल बहन आई भी थी ना, डॉक्टर प्रीति, क्या नाम, इंदौर वाली प्रीति जैन। एक बार माना कि आप कैंसर का सामना किया और आपने उससे निकल गए चलो, और यहां तक, अब उसको तो बोल दिया था 2 महीने ही जीव, 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 2 साल ही जीवित रहेगी, अभी तो 16 साल से जीवित है, मरी नहीं है। या कितने MND के पेशेंट आते हैं जिनको बोल दिया गया तुम्हारी आयु है 2 से 5 साल, सभी MND के पेशेंट्स को बोल दिया जाता है, और मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यह हार्ट की प्रॉब्लम, यह कैंसर की प्रॉब्लम, यह ऑटोमन डिजीज, फिर अर्थराइटिस का भी वेग आता है, अस्थमा का भी वेग आता है, और उसके लिए लोग इनहेलर से लेकर के और तमाम तरह के कृत्रिम साधनों को अपनाते हैं। अर्थराइटिस का, सोराइसिस का, हेपेटाइटिस का वेग आता है, एकदम वायरस लोड बढ़ जाता है, आदमी कहते हैं अब ये मौत के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे लोगों को हमने सेकेंडरी प्रिवेंशन किया है, 100% रिजल्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल 100% करके दिखाते हैं हम। पहले ही दिन से 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100% कंट्रोल पहले ही दिन से। अलग अलग बीमारियों में, बॉडी की कंडीशंस पर, डिजीज की कंडीशंस पर डिपेंड करता है कितना भी कंट्रोल और क्योर। तो मैं रोज ही बोलता हूं, पूरे वर्ल्ड में इकलौता स्वामी रामदेव है जो 100 से ज्यादा बड़ी बीमारियों के बारे में क्योर शब्द का प्रयोग करता है। पूरी मेडिकल साइंस और सारी दुनिया की सरकारें एक तरफ और स्वामी रामदेव एक तरफ है। इसके ऊपर प्रतिबंध है, कानून जो बात कही जाती है ना, कानून बना रखे पूरी दुनिया में, कोई एक क्लेम नहीं कर सकता कि BP क्योर होता है, थायराइड क्योर होता है, अस्थमा क्योर होता है, कोलाइटिस क्योर होता है, कॉन्स्टिपेशन क्योर होता है, सोराइसिस क्योर होता है, एक्जिमा क्योर होता है। ये जो तमाम मैं रोज बातें करता हूं और मैं रोज बोलता हूं, और पूरी दुनिया में मेरा ये कार्यक्रम टेलीकास्ट होता है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और कोई जो है चू नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि मेरे पास सब चीजों के एविडेंस है। खूब कोशिश की मेरे ऊपर, कम से कम आप टोटल मुकदमों की संख्या यदि लगाएं तो दुनिया में सबसे ज्यादा मुकदमा किसी पर दर्ज है तो स्वामी रामदेव है, सबसे ज्यादा।
कुछ साइंस मेडिकल साइंस वालों ने जमा करा रखे हैं, दर्ज करा रखे हैं, कुछ उल्टे जो उल्टी खोपड़ी है जिन लोगों की उन्होंने दर्ज करा रखे हैं, किस किस नाम पर मुकदमे हैं मेरे ऊपर आप लोगों को, मैंने एक पूरी फरहिस्त है। लेकिन किस आप सोचते होंगे फिर बाबा जी को फिर आज तक कोई विक्टिम घोषित क्यों नहीं कर सका, जैसे राजनीति में भी होता है ना, बोले ये राजनीतिक मुकदमे हैं, तो मेरे ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, मेरे ऊपर राजनीतिक मुकदमे हैं, मेरे ऊपर साइंस वालों की ओर से मुकदमे, मेरे ऊपर धर्म वालों की ओर से भी मुकदमे हैं कि स्वामी रामदेव शनि की तो राहु भूत प्रेत ढोंग अमर अंडमर पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ क्यों बोलता है, हमारी दुकानदारी के ऊपर क्यों लात मारता है। मैं न किसी को लात मारता हूं न कोई बात मारता हूं। चलो अब अनुलोम विलोम करो, अगला प्राणायाम, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट। अब मैं कहता हूं देखो, अब आराम से करना, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ही सबके लिए। कुछ लोग जल्दी जल्दी करते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे करते हैं, कुछ ऐसे करेंगे। पूरा जाने दे मेरे भाई, पूरा लो, कम से कम 5 सेकंड, इससे ज्यादा लो तो फिर धीरे धीरे 10, 15, 20, 25, 30 सेकंड में भी हम लेने और छोड़ने का कार्यक्रम करवाते हैं, उससे ध्यान ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो 5 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक का कार्यक्रम है ये, जिसको तुम हल्के में ले लेते हो, गलत बात। अब लगातार करते रहो और मेरी बात सुनते रहना, कोई किसी का भी हाथ नीचे नहीं आएगा। किसी को अचानक हार्ट अटैक हो जाए, अचानक पैरालिसिस हो जाए, एक्यूट मैनेजमेंट उस एमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए एक शब्द है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ, और इस बारे में मैं लगभग 30 सालों से ये जागृति फैला रहा हूँ कि मेडिकल साइंस के जितने भी गोल्स हैं, जितने भी उसके मकसद हैं, लक्ष्य, किसके लिए मेडिकल साइंस, तो कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, लाइफ सेविंग के लिए। लाइफ सेविंग ड्रग्स का मैं भी विरोधी नहीं हूँ, कुछ लोग बेवजह विरोध करते हैं, मैं एलोपैथी का घोर विरोधी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ जहाँ जिंदगी की जरूरत के लिए, लाइफ सेविंग के लिए जरूरत है, वो साइंस से इस्तेमाल करो। अचानक अब मान लीजिए किसी की कार एक्सीडेंट में पैर टूट गए, तब उसके लिए तो आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी ना, अनावश्यक दवा, अनावश्यक सर्जरी। मैं नहीं, WHO और दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं वो भी कहते हैं गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, ये 90% तक चल गया है। अब बताओ 90% मेडिकल साइंस में पाखंड है, और ये 90% बाबाओं में भी पाखंड है, ये पॉलिटिक्स में भी पाखंड है, ये तो सब जगह पाखंड तो सब जगह आ गया ना। सच और झूठ की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया। अनुलोम विलोम कीजिए, पूरा लेना, पूरा छोड़ना। जिनको ऑटोमेन डिजीज है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, वो श्वास को होल्ड भी कर सकते हैं, तो वो नाड़ी शुद्धि हो जाएगा। अब लगातार कीजिए एक्यूट मैनेजमेंट, और ये सारी बीमारियों को भी ठीक करता है। रिहेबिलिटेशन उसको बोलते हैं कि किसी बुजुर्ग आदमी को चोट आ गई, बड़ी उम्र में बीमारियां हो गई, 70, 80, 90, 70 साल से पहले तो मैं किसी को बुजुर्ग ही नहीं कहता, सीनियर सिटीजन में 70 साल के बाद कहता हूं। बोले जी 70 तक तो लोग निपट ही लेते हैं, तो गलती है उनकी, बहुत सी मेरी उम्र के होते हैं, 54, 55 साल की उम्र के होते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे अभी मरे बुढ़े दिखने लगते हैं, धत तरह के 54, 55 साल में, 50 साल के बाद तो जवानी आनी शुरू होती है, और यहाँ इनका पानी निकल जाता है पूरा, ऐसे बावड़े बावड़े घूम रहे, ये 50 साल के हो गए, अब तो बुढ़े हो गए। किसने कहा बुढ़े हो गए, 70 साल से पहले कोई अपने आप को बुढ़ा नहीं मानेगा, हाँ। होना ही नहीं है, तो 75 साल होना चाहिए, बल्कि 75 साल के बाद में वृद्धावस्था को हमारे यहाँ पर माना गया, प्रौढ़ कहा जाता है, 50 से 75 के आदमी को प्रौढ़ कहा जाता है। मैं प्रौढ़ हुआ हूँ अभी, पहले मैं, वैसे तो मैं जवान ही हूं अभी, 25 से 50 साल के को जवान कहा जाता है, 50 से 75 वाले को प्रौढ़ कहा जाता है, परिपक्व कहा जाता है उसको, और 75 साल के बाद बुढ़ापा शुरू होता है।
चलो, तो रिहैबिलिटेशन उसको बोला जाता है कि 75 साल के बाद चोट आदि लग जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उसकी उसको देखभाल करना, उसको संभालना। और पैलिएशन बहुत पैनिक कंडीशन होती है, जब बीमारी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आदमी का अब बचना मुश्किल है। कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ गया, माने पूरी पूरी शरीर के कंडीशन है ना, मैं बार बार कहता हूँ ना कि कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ना किस बीमारी में कितना लाभ होगा। तो उम्र कम होने पर तो दिक्कत नहीं आती, उम्र ज़्यादा होने पर बहुत खराब कंडीशंस हो जाती, तो उस समय पैलिएशन का मतलब होता है कि अब उसको आराम से वो मर सके, उसके लिए कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि आदमी के अंदर कुछ अब उसको उभार नहीं सकते, पूरा शरीर जवाब दे चुका है, इसको पैलिएशन कहते हैं। अब मैंने अगला शब्द प्रयोग किया है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हेल्थ, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ। ये बहुत बड़ी बात है, ये आठवीं बात मैंने अपनी तरफ से प्रयोग की है। सात उद्देश्य कहे जाते हैं मेडिकल साइंस के, सात मकसद, टारगेट्स, गोल्स कहे जाते हैं। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हेल्थ योग से मिलेगी आपको, समग्र और स्थायी स्वास्थ्य आपको योग से, यज्ञ से, प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेद से, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन से मिलेगा। और इससे खाली स्वास्थ्य ही नहीं मिलेगा, आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी। इसलिए मैं इंक्लूसिव हेल्थ, इंक्लूसिव योग, इंक्लूसिव ट्रीटमेंट, इंक्लूसिव सस्टेनेबल हेल्थ की बात करता हूँ, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस की बात करता हूँ। चलो, अनुलोम विलोम ऐसे लगातार करना, अभी खाली संकेत कर रहा था, फिर भ्रामरी, अनुलोम विलोम के बाद इसमें देखो, ऐसे पहले उंगली ऐसे माथे पर रखते हैं, शेष तीली उंगली ऐसे रखते हैं आराम से, देखो ऐसे, ये तो और तरीका है। फिर बाद में कान ऐसे बंद करते हैं और मुख ऐसे बंद करके और लय के साथ ऐसे, जोर जबरदस्ती नहीं, एकदम सहजता के साथ, ऐसे इसको 7 से 11 बार तक, 5 मिनट तक किया जा सकता है। और दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, अभी तो आपको सिखा रहे हैं खाली, प्रैक्टिस तो बाकी है। जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको डिप्रेशन है, जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो 15 मिनट तक भी इसको कर सकते हैं, 15-20 मिनट भी करवाया जाता है ये अभ्यास, भ्रामरी का उद्गीत। ओ न जोर से न बहुत धीरे, मध्यम गति से। ओ Thank you.
लगभग 15 सेकंड तक ओ का उच्चारण होता, लगभग 5 सेकंड तक मैं का, ऐसे इसमें कोई संख्या नहीं गिनी जाती है, लंबा ओ और उससे कम मैं होगा। 3 मात्राएं ओ की हैं और अर्ध मात्रा मकार की है, वो हलंत है, ओ ऐसे ओ प्लुत है, अ ऊ और उसमें संस्कृत की प्रक्रिया है शब्द निर्माण की, उसमें अ और उ मिलके ओ हो जाता है। ओ अकार उकार मकार में त्रयी विद्याएं हैं, इसमें त्रिलोक का समावेश है, पृथ्वीलोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, और प्रकृति के सारे तत्व, मूल तत्व, और ये सारा अस्तित्व ओंकार में समाहित है। इस ब्रह्मांड का प्रथम निनाद ओंकार है। अब ओंकार शब्द मात्र में भी ध्यान कर सकते हैं और मूलाधार से सहस्रार तक एक चक्र विशेष में भी धारणा, फिर वही ध्यान, वही समाधि, संयम, प्रज्ञालोक, ये शब्द प्रयोग है। ध्यान के संदर्भ में ये मार्गदर्शन है, ये प्रक्रिया है, ये उपाय है, ये साधन है, इसका विधान है, तौर तरीका है उसका। रुक जाएंगे, मौन हो जाएंगे। अब देखो ऐसे भ्रामरी उद्गीत थोड़ी देर करते हैं, तो ये मैंने बार बार संकेत किया, दृष्ट से अनंत गुणा शक्तिशाली, अदृष्ट, अव्यक्त, अनिर्वचनीय, इनविजिबल। तो योग और ध्यान की ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, स्थिति है, अभ्यास है, अनुभूति है, क्यों व्यक्त से अव्यक्त में, मूर्त से अमूर्त में, प्रत्यक्ष से परोक्ष में, ज्ञात से अज्ञात में उतरे और वहां तक पूरी तरह से एकात्म हो जाए। जिनका मौन होने पर मन अशांत होता है वो ऐसे वाचिक जप भी कर सकते हैं। जप की 4 स्थितियां कही है, वाचिक जप, बोल के जप कर रहे हो, ओष्ठ हिल रहे हो और आवाज नहीं आ रही है, इसको उपांशु जप कहते हैं। फिर मन ही मन जप चल रहा है, इसको मानसिक जप कहते हैं। और संकल्प मात्र से बस हम भगवान के साथ एक भूत हो गए, इसको अजपा जप कहते हैं। Thank you.
Thank you.